विजडम जॉब्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम सैयद गोरी मोहम्मद। आज मैं करंट रिलेटेड इश्यूज और प्रश्न और उत्तर के रूप में और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के रूप में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसे जानकारी लीजिएगा। द बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज प्रपोज टू बी बिल्ट अक्रॉस विच स्टेट। अब रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानी नरेंद्र मोदी जी ने एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को बनाने का शुरुआत किया। अब ये निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में इसका शुरुआत हुआ? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। टॉपिक क्या हो गया? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली एक फाउंडेशन स्टोन बनाया और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस को चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है और ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में एक फाउंडेशन स्टोन कि वहाँ से इसकी शंकुस्थापना शुरू हो रही है और वहाँ से इसका जो बनावट निर्माण, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण वहाँ से शुरू हो रहा है। और इसका जो मेन आंसर हो गया कि यहाँ पर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस की स्थापना करने के लिए और इसका शुरुआत के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में इसको प्रारंभ किया। और दिस प्रपोज एक्सप्रेस वे इज एक्सपेक्टेड टू कनेक्ट द बैकवर्ड रीजियन टू द नेशनल कैपिटल रीजियन एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट टू बुंदेलखंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्हें कहते हैं हम सेज, और स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर भी होता है, स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए और पावर्टी को हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, खास करके उपाधि बढ़ाने के लिए गरीबी हटाने के लिए इंडस्ट्रीज की ज़रूरत बहुत ही है, बहुत सख्त ज़रूरत है। और यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जो कॉरिडोर होता है बुंदेलखंड, और ये बुंदेलखंड का जो वो कॉरिडोर के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चारों ओर ये जो एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। दिस प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे इज एक्सपेक्टेड टू कनेक्ट द बैकवर्ड रीजियन, जहां पर बैकवर्डनेस है और उस बैकवर्ड रीजियन में ये एक्सप्रेसवे शुरुआत हो रहा है, टू द नेशनल कैपिटल रीजियन एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट द बुंदेलखंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जहाँ तक बुंदेलखंड का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी सपोर्ट कर रहा है। लास्ट ईयर द स्टेट कैबिनेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैड अप्रूव्ड द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट विच वुड कॉस्ट अराउंड 10,000 करोड़ का इस प्रोजेक्ट को लास्ट ईयर में जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव की थी, अभी ये इसका प्रोजेक्ट शुरुआत हो रहा है और इसका नाम होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। और ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से नरेंद्र मोदी जी ने एक फाउंडेशन स्टोन को लगाकर इरेक्ट कर इस प्रोग्राम को शुरू किया। हमारे जो वीडियोस देख रहे हो, हमारे जो वीडियोस में आप शामिल है, मौजूद है, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और हमारे वीडियोस को आप कंटिन्यू रखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।